अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। ओपन योर साइंस वर्कबुक पेज नंबर 13। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन डेट एंड डे ऑन दिस पेज। आवर क्वेश्चन इज विच ऑफ योर सेंसेस विल वार्म यू अबाउट दिस डेंजर। मैंने कहा कि अगर कोई खतरा हो तो खतरा कोई अगर आपको नज़र आ रहा है तो कौन से सेंसेस जो है वो आप यूज़ करेंगे, कौन सी हिस जो है वो आप यूज़ करेंगे खतरे में अगर कोई आपको हो तो। वन इज़ बस ऑन द रोड। When you see bus on the road, you will use sight sense. Then you will write here sight. Stinging bees. मक्खियों की बिन बिनाहट अगर हो रही हो तो which sense you will use? Hearing sense. Hearing कहते हैं सुनना, आपको मक्खियों की बिन बिनाहट सुनाई देगी। कौन सी हिस्सा आपको यूज़ करेंगे? Hearing. Next is fire in the house. अगर किसी घर में आग लगी है तो which sense you will use? स्मेल, सूंघने की सेंस होगी जिससे आपको पता चलेगा कि किसी घर में आग लग गई है। नेक्स्ट इज़ हॉट कैटल। किसी गर्म किसी कैटल को अगर आपने हाथ लगाया है कैसे पता चलेगा ये गर्म है, तो आप टच की सेंस यूज़ करोगे, टच करोगे पता चलेगा ये आपकी हॉट है, ये गर्म है। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर दीज पीपल कॉल्ड। अ पर्सन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड ब्लाइंड। एक बंदा जो देख नहीं सकता उसको क्या कहते हैं? ब्लाइंड। A person who cannot speak is called dumb. A person who cannot hear is called deaf. You will call deaf that person. On next page, page number 14, question is, how does it feels? Feel and observe each object, then write the correct word to describe its texture. किसी भी चीज़ को जब आप टच करते हो आपको कैसे पता चलता है कि वो कैसा है, आपने उसमें डिस्क्राइब करना है उसके बारे में। जैसे कि आई हैव अ बुक, आई एम टचिंग द बुक, दिस सरफेस इज स्मूथ, देन वी विल राइट हियर स्मूथ। नेक्स्ट बियर। व्हेन आई विल टच बियर आई विल से इट इज फ्लफी, देन वी विल राइट हियर फ्लफी। नेक्स्ट आई हैव अ पेंसिल, आई विल टच द पेंसिल, इट्स सरफेस इज शार्प, आई विल से शार्प। तो ये थोड़ी हार्ड है, ये शार्प है, तो आई विल राइट शार्प हेयर। आई हैव अ रेजर, आई विल टच रेजर, आई विल से इट इज स्मूथ, आई विल राइट स्मूथ हेयर। बैग, आई हैव अ बैग, आई विल टच द बैग, आई विल से इट इज रफ, इट्स सरफेस इज रफ, आई विल राइट रफ हेयर। टिशू, आई विल टच एनी टिशू, आई विल से आई विल टच एनी क्लॉथ, आई विल से इट इज सॉफ्ट, देन आई विल राइट सॉफ्ट हेयर। और नेक्स्ट पेज, विच सेंस विल यू लेट यू नो द फूड इज हॉट। कैसे आपको पता चलेगा खाना जो है वो गर्म है? यू विल टच, देन यू विल से इट इज हॉट, टच सेंस विल यूज। द फूड इज नॉट फ्रेश एंड रोटन। How can you say the fresh food is not fresh? You will smell, then you will say it is rotten and it is not fresh. You will write smell here. The doorbell is ringing. How can you say the doorbell is ringing? You will use hearing sense. Your ear will tell you, your hearing sense will tell you the doorbell is ringing. Then you will write here hearing. Thank you, students.